लैपटॉप में वहाँ क्रियांश क्रियांश बोला जा रहा है, क्रियांश देख रहा हूँ मुझे, कौन बोल रहा है क्रियांश? गुलाब जामुन के लिए दादी कहिए आगे पीछे कर रहा है। तो जब देखा कि कमेंट आ ही रहे हैं तो सोचा कि चलिए दिखाई देते हैं। तो दादी भी यहाँ पर है, जिया भी जो है दादी का गिफ्ट लेकर के पीछे बैठी हुई है। तो गिफ्ट को खोला जाए तो देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो दादी खोल करके दिखा रही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं हमारे साथ है क्रियांश और यहाँ पर जो अपना मोबाइल से खेल रहा है क्रियांश। 10 बजने वाले हैं लेकिन इसको नींद कुछ ना। बिल्कुल, वैसे जो है जनरली यह सो जाया करता है 9 से 9:30 बजे के बीच, लेकिन आज जो है नींद नाम का कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो दोनों मोबाइल ले चुका है और दोनों मोबाइल को हाथ में लेकर के छोटा वाला जो है सैमसंग का, सैमसंग गुरु दादा दादी दोनों का मोबाइल हाथ में है। चलो तुम्हारा अपना मोबाइल बाबा को दे देते हैं। ये देखो हम अपना मोबाइल देते हैं बाबा। अभी पानी नहीं पी रहा था क्रियांश, तो दादी इसको छोटा वाला मोबाइल दी तब पानी पी गया। वाह, तो दादी गई है वो छोटा वाला मोबाइल लेने, तो लाती है तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। देखो वहाँ दादी के पास, वो देखो क्रियांश वो देखो सीधा भागेगा फिर उस मोबाइल की तरफ। बस हो गया है, इस मोबाइल से प्यारा इसको कोई मोबाइल नहीं। दादी इसको प्यार से बोलती थी कुकड़ी, तो कुकड़ी अब नहीं सुनता है। क्रियांश को लेना देते हैं तुमको। कुकड़ी लाल एक रिएक्शन, कोई रिएक्शन क्रियांश क्या? तो अपने सिर्फ नाम पर ही देखता है ये, बाकी रिस्पांस नहीं देता है ये। कहता है कि मेरी दादी नाम मेरा बिगाड़, इसलिए अपना अच्छा नाम से संबोधित करती है, तब मैं दादी की तरफ देखता हूँ। वाह, हाँ क्रियांश क्या से कभी कभी जो है क्रियांश इमरजेंसी कॉल लगा देता है, कभी पुलिस कभी एम्बुलेंस। फिर उधर से कॉल बैक आता है तब मम्मी बताती है कि मेरा पोता कॉल लगा दिया, तो उधर से भी वो लोग हंसने लगते हैं। फिर The next day. Good morning, Dian. उठते ही शैतानी स्टार्ट है क्रियांश। पापा इधर सोए हैं, जा पापा पाँच। पापा? हाँ, very good. अब क्या हुआ? वाह! देख, मशी के रूम। देख अब मशी। देख रहे हैं नाटक का। मैं क्रियांश। क्रियांशी। क्रियांशी। पापा। मम्मा। हाँ बेटू। पापा मम्मा। बाय क्रियांश, बाय। ठीक है नहीं अच्छा, बाय 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 बाय। ये दांत काटेगा पापा को। तो यहाँ पे क्रियांश को देख सकते हैं, क्रियांश अब जाएगा ऊपर। क्रियांश क्या कर लियो तुम, क्या कर लियो तुम? पकड़े गए तुम तो पकड़े गए भैया। क्रियांश सोता तक नहीं है ना, सोने देता है किसी को। अभी मम्मा सोती ना, सो दे, सब सोए हैं, मम्मा लेके बैठी है तुमको। क्या है? पकड़। कहाँ जा रहे हैं? क्या ऊपर से आ गया तुम? हीरो बन रहे हो? हीरो बन रहे हो तुम? देख सकते हैं पैर फैला कर रखेंगे, नीचे ना जाए लड़का। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? वाह, काम करेगा आप क्रियांश। तो अभी क्रियांश क्या बाबा? देख लो यही प्यार यही प्यार है ना? बोलो, यही प्यार है ना मम्मा के लिए? पापा सब सोए हुए, मम्मा लेके घूम रही है तुमको, इनके भी तुमको पापा चाहिए। यही काम है इसका। लैपटॉप में वहाँ क्रियांश बोला जा रहा है, क्रियांश देख रहा हूँ मुझे, कौन बोल रहा है क्रियांश? देख फिर पलट के देख रहा है। कौन बोल रहा है क्रियांश? बोलो, सॉन्ग है। कौन बोल रहा है? क्रियांश फिर से आ गया है छत पे और सारे आलू को नीचे फेंक रहा है। दादी पिट्टी करेगी, सबको इधर से इधर गिराता है। इधर दादी पिट्टी करेगी। पापा सोए हैं बेटू। हाँ देखो देखो क्या कर लियो भैया। बाबा टेटे क्या कर रहे हो सुना? दादी पिट्टी करेगी, उठेगी तो देखेगी क्रियांश कितना सारा आलू फैलाया है। फिर क्या करोगे आप? क्या पापा? क्रियांश अपना काम कर रहा है, मैं बैठी हुई हूँ इसके पास। ए लड़का फेंके जा रहा है सारा नीचे। गिरा ना, गिर गया ना? हाँ बैठ, दिखेगा तुम। क्रियांश आ गया अपने पापा पास। ए क्रियांश, सारा आलू फेंक के आया आपका बेटा। दादी कहेगी कौन आलू फैलाया है?
है, सुने पापा फैलाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन फैलाया आलू? आलू कौन फैलाए? पापा, पापा फैलाए। पापा तो सोए थे क्रियाज, पापा कब फैलाए? ठीक है पापा फैलाए। आलू कौन फैलाया? आलू कौन फैलाया? एक्टिंग करोगे तुम? जल्दी बोलो, आलू कौन फैलाया? जल्दी बोलो। नहीं बोलेगा। पापा फैलाया आलू? जल्दी बोल, जल्दी बोल, आलू कौन फैलाया? आलू कौन फैलाया? जल्दी बोल, जल्दी बोल, आलू कौन फैलाया? जान जा रहा है अपनी दादी के पास। अभी एक सेकंड में इनको देने आया गुलाब जामुन, तब तक मैं बाथरूम में घुस के तैयार था। एक लड़का जान जा गया अपनी दादी के पास। क्रियांश, एक रियांश क्या कर रहा है? अभी खाने का आगे पीछे है, गुलाब जामुन एक ठो दी थी हमने जिया खाने के लिए, देख लिया थाली में, उसी का आगे पीछे है। तो गुलाब जामुन के लिए दादी कहिए आगे पीछे कर रहा है। जैसे लगता है मेरा पता जिंदगी में कुछ नहीं खाया, भगवान के पास खाने का कोई कमी नहीं। और खाने के नाम पर कुछ नहीं खाएगा, खाली दो बार खाया बस खत्म। दो बार खाया बस, उसके बाद पूरा ताली बजाएगा, पूरा तुम्हारा शुक्रिया व्यक्त करता है कि मैं बहुत खाया, मुझे चाहिए, मेरी दादी मुझे बहुत देती है। मेरा पता हो किसी का कुछ मेरा पता नहीं लेता, धन्यवाद देता है बहुत थोड़ा सा खाने के बाद। तो हम लोग आ गए हैं जी मोनू और रितु के रूम में। तो देख सकते हैं यहीं पर जो है पिछला तीन चार दिनों से जो है गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो बन रहा था, और भोज की तैयारी हुई पापा के घर में। हाँ। और गिफ्ट देखने की तैयारी हुई चाचा के, चाचा के घर में। बिल्कुल जी, तो हम लोगों ने जो है सारा गिफ्ट आपको दिखा दिया, हमने यह भी दिखा दिया कि हमने अपने बेटे के लिए क्या दिया, और साथ में कमेंट आ रहा था कि दादा दादी का गिफ्ट आप लोग ने दिखाया, तो हमने सोचा था कि कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही इतना सारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल चुके हैं और कितना वीडियो डाले, तो जब देखा कि कमेंट आ ही रहे तो सोचा कि चलिए दिखाई देते हैं। तो दादी भी यहाँ पर है, जिया भी जो है दादी का गिफ्ट लेकर के पीछे बैठी हुई है, तो गिफ्ट को खोला जाए तो देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो दादी खोल करके दिखा रही है। दादी सबसे पहले गिफ्ट खरीद ली थी। दादी खरीद लिया अलग बात है, लेकिन हम इसको कोई उतना उचित हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दादा के हर संपत्ति पर डायरेक्ट पोता का अधिकार है। तो वो बात अलग, वो गिफ्ट अलग है, ये गिफ्ट अलग है। वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये छोटा गिफ्ट है, तो छोटा गिफ्ट मिलना है। ये परंपरा है जिसको हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ईश्वर भक्ति में विश्वास करते हैं और हम बच्चा को आशीर्वाद देते हैं, कोई चिरंजीवी रहे हमारे पोते के साथ, दुनिया का हर माँ सास ससुर, हर माँ बाप, हर दादा दादी का बाल बच्चा इसी तरह आनंद से रहे। और फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं तो दिखाया जाए, चलिए दिखा देते हैं। तो यह देख सकते हैं पोते के लिए मम्मी ने क्या दिया है। यह दिया है जी एक बहुत ही प्यारा सा हनुमानी, देखते हैं बहुत ही प्यारा सा हनुमानी। क्रियांश कल से ही पहनेगा। बिल्कुल क्रियांश पहनेगा और संकट मोचन हर समय उसके। बिल्कुल जी, और हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने भी कहा था कि इसको जो पहनाया जाए, और क्रियांश जो रात में थोड़ा चौंकता भी है, तो हम लोगों की तरफ मान्यता है कि जब हनुमानी बच्चा गले में पहनता है तो वह जो है थोड़ा कम हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। नाम है संकट मोचन। जहाँ भी रहेंगे संकट बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं जी आपको यह गिफ्ट पसंद आया होगा, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको, और हाँ जी नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबा ले ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।